इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट में मेहरबान रही कि सरकार ने जितनी भी उसकी अनुपयोगी जमीन थी, भूमि थी, उसे उपयोगी बनाने के लिए इंडस्ट्री विभाग को दे दी। मैं इंडस्ट्री विभाग के मंत्री जी से ये पूछना चाहूंगी कि आपने उस कितनी भूमि है जिनको उपयोगी बना दिया, जहां पे इंडस्ट्रीज बना दी। क्योंकि आज आए दिन हम अखबारों में पढ़ रहे हैं कि हमारे किसानों के पास ना तो बिजली है, ना पानी है और ना सड़क है। ऐसी स्थिति में आप इन इंडस्ट्रीज को, जिनको आपने भूमि तो दे दी, ना आप उन्हें बिजली दे पा रहे हैं, ना पानी दे पा रहे हैं, ना सड़क दे पा रहे हैं। समाजवादियों के समय जो सैमसंग की कंपनी उत्तर प्रदेश में आई थी निवेश करने के लिए, आज आपकी सरकार में वो यहां से छोड़ करके कर्नाटक और दूसरे देशों में चली गई है। मैं आपसे जवाब चाहती हूं कि आज जो कंपनियां निवेश करने आ रही है वो उत्तर प्रदेश को छोड़ करके क्यों भाग रही है। मैं आपसे ये जवाब नहीं चाहती हूँ कि आपने किन नई नई कंपनियों को यहाँ पे लाया। मुझे सिर्फ ये उत्तर दे दीजिए कि आपके शासनकाल में, जब से ये इन्वेस्टर समिट मीट हुआ है, कितनी कंपनियां हैं जो बंद हो गई और कितनी कंपनियां हैं जो उत्तर प्रदेश में पहले निवेश करना चाहती थी और आज छोड़ करके चली गई। और अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश, हमारे मुख्यमंत्री जी दावा करते हैं 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, और आपका विभाग उसमें अगर पूर्णतः सहयोग करेगा तभी ये पॉसिबल है, तो क्या आप बताने का कष्ट करेंगे कि आज इन परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश का इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट क्या है, और जिस ग्रोथ रेट से आप चल रहे हैं, कितने दशकों में आप उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बना पाएंगे? कृपया करके बस इसका स्पष्ट मैं चाहूंगी, अनुरोध करूंगी कि आप बस इन्हीं सवालों का उत्तर दें।